अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 से हम एमसीक्यू देखना शुरू करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके एमसीक्यूज बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले हैं और बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू, ऑक्टेन नंबर किससे रिलेट करता है, तो ये लुब्रिकेंट ऑयल, ये लिखा हुआ इसके अंदर गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल या लुब्रिकेंट ऑयल, तो द आंसर इज गैसोलीन, क्योंकि ऑक्टेन रूल का नाम, क्योंकि गैसोलीन का जहाँ पे हेडिंग है किताब में उसी के साथ बिल्कुल ऑक्टेन नंबर लिखा हुआ है कि जिसका ऑक्टेन नंबर मुकम्मल हो, तो द आंसर इज गैसोलीन। सही बेटा। उसके बाद अगर देखा जाए द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर मल्टीहाइड पॉलीमर, कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल, फिनॉल का कमर्शियल नेम क्या है फॉर मल्टीहाइड पॉलीमर, तो आप लोगों ने इसकी इक्वेशन पॉलीमराइजेशन में देखी है, तो उसके आंसर में क्या आता है, बेकेलाइट। फिनोल का फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो बनता है उसको कहते हैं बेकेलाइट। आसान अल्फाज, बेकेलाइट इज अ पॉलीमर, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ पॉलीमर। उसके बाद लिखा हुआ है दिस को नंबर 3, ये दिस इज यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, इसमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, तो पेट्रोल को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, लेड इथेनेट, सही है, C2H3 टेकन 4 PB इस्तेमाल होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन अ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज, ये बेसिकली यहाँ पे गलत आ गया, चैप्टर नंबर 8 का होना चाहिए। फिलहाल क्योंकि हम पूरी किताब ही पढ़ी हुई हमने, तो कार्बोनाइल ग्रुप C(O), चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है C(O) कार्बोनाइल ग्रुप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। प्रोपेन एंड प्रोपेनोन आर, प्रोपेन और प्रोपेनोन आर डैश आइसोमर्स, मतलब इसमें से कौन सा आइसोमर्स प्रोपेनल और प्रोपेनोन, देखो प्रोपेनल एल्डिहाइड को शो कर रहा है और प्रोपेनोन नॉन कीटोन को शो कर रहा है, मतलब जो एल्डिहाइड है तो कार्बोनाइल कार्बन मतलब C(O) वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कॉर्नर पे है, और कीटोन है क्योंकि नॉन लिखा हुआ है तो कार्बोनाइल ग्रुप बिटवीन द चेन है, मतलब दोनों तरफ कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में है। पता ये चला फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्या कहलाएगा ये, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। सही है। उसके बाद क्या है, अदर नेम ऑफ मिथेन, इसमें से मिथेन का अदर नाम क्या है, तो भाई मिथेन का दूसरा नाम क्या होता है, मार्श गैस। सही है। उसके बाद क्या है, 7 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 40 to 200 डिग्री सेल्सियस इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, अगर मैं पानी को 40 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूं तो 40 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोलियम जो जमीन के अंदर से पेट्रोल निकला है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा गैसोलीन के अंदर, जो जमीन के अंदर से हमने पेट्रोल निकाला, जो ऑयल निकाला जमीन के अंदर से, जो क्रूड ऑयल था और जो आम ऑयल था उसको जब हमने जमीन के अंदर से निकाला तो उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज मिली हुई थी, उन इम्प्योरिटीज को अगर मैं 40 to 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूँ तो दे कन्वर्ट इंटू दी गैसोलीन, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 8 लिखा हुआ है इथानॉल और डाइथाइल ईथर, अब डाई मिथाइल और इथानॉल OL ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप OH को, OH इसके अंदर इथानॉल में क्या लगा हुआ है, OH एक कॉर्नर पे लगा, डाई मिथाइल ईथर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो मिथाइल ग्रुप हैं और दरमियान में O लगा हुआ है, देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ईथर मींस दोनों तरफ चेन होगी और दरमियान में ऑक्सीजन होगा, अल्कोहल मीन्स कहीं पर भी OH लगा हुआ होगा, तो फंक्शनल इसका भी आंसर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ऐसे में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, एक जगह पे ऑक्सीजन आ रहा है दूसरी जगह पे OH आ रहा है, तो इसका भी ग्रुप आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद 9 लिखा हुआ है साइक्लो अल्केन्स, उसके बाद लिखा हुआ है साइक्लो अल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला, अल्केन्स, लेकिन अल्केन्स अगर कोई अच्छे से तैयारी करके नहीं लिखेगा
तो वो अल्केन का सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देगा CnH2n+2, ये वाला आंसर लिख देगा, जो कि गलत है। ये तो सिर्फ अल्केन का फार्मूला है, यहाँ पे पूछा जा रहा है साइक्लो अल्केन, कि साइक्लो अल्केन का फार्मूला क्या है। तो साइक्लो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n, सही है बेटा, ये आप याद कर लीजिएगा, 1 pentene 2 pentene। पर इसमें ये बात पता चल रही है कि ENE डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, एक जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है पहली पोजीशन पे और दूसरी जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है दूसरी पोजीशन पे। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, सेम है लेकिन पोजीशन चेंज है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर, नंबर 11। डाई इथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया अल्कोहल OH ग्रुप, और डाई मिथाइल ईथर मतलब ऑक्सीजन बिटवीन द कार्बन चेन। तो जब भी ऐसा हो जाए, दोनों फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आएगा तो फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसका आंसर हो जाएगा। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कैरिसोल इज, कैरिसोल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिनोलिक होता है, OH होता है, चैप्टर नंबर 9 में लिखा है फिनोल के टॉपिक में। द पॉलीमर नेम ऑफ पेकेलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड पॉलीमराइजेशन की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। पेकेलाइट जो फॉर्म होता है, किस किस के रिएक्टेंट जो मिलते हैं जिसके नतीजे में बनता है, तो कौन कौन से रिएक्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है। नंबर 14, द कंपाउंड 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन होना चाहिए था, यहाँ पे ए नहीं ई एन ई होना चाहिए था, सही बेटा, मैं कर देता हूँ सही, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन कुछ नहीं होता, 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन। पोजीशन का फर्क है डबल बाउंड की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2+2, ये पहला वाला हो जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2 हो जाएगा। इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस, सुई गैस के अंदर मेजर पोर्शन किस चीज का होता है, तो भाई वो मीथेन का होता है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 6 के MCQs थे। तो रोजाना हम एक चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे, और ये आप लोग भी एक दफा रिवाइज कर लें ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। मैं करवा भी चुका हूँ ये पहले, लेकिन रिवीजन के लिए बेहतरीन चीज है, ताकि सारे टॉपिक एक दफा आइसोमर्स भी मुसलसल रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से जो है हमारा आज चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा आप लोग इसकी चैप्टर नंबर 6 के MCQs की तैयारी आज कर लीजिएगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, और उसके बाद फिर 8, 9, 10 करेंगे, सही है। अच्छा, तो मैं इसकी की दिखा देता हूँ आप लोगों को, अच्छा ये इस वक्त मैंने इसकी की खोली, ये की क्या है, जो अभी हमने काम किया ये उसकी पूरी की आ गई आपके सामने ना। तो ये पहला है, ये अगर आप लोग देखना चाहें तो इसके जरिए आप लोग मदद ले सकते हैं कि किसका क्या आंसर आ रहा है। ये मैंने हल्के हल्के मूव कर रहा हूँ नीचे की तरफ, सही है भाई, ये की भी हो गई और उसका ओरिजिनल जो मैंने समझाया था वो हो गया। चाहे तो उसकी तस्वीर देखे तो उसके बाद काम किया जा सकता है, सही बेटा। अस्सलाम वालेकुम।